डॉक्टर, क्या आप डिलीवरी के टाइम बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगी? गर्भवती महिला, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। मरीज, डॉक्टर साहब, मुझे रोज यही सपना दिखता है कि मेरे पास से होकर सुंदर सुंदर लड़कियां तेजी से भाग रही हैं। डॉक्टर, उसमें मुझसे क्या चाहते हो? मरीज, आप ऐसी दवा दीजिए कि या तो उन लड़कियों की रफ्तार कुछ कम हो जाए या मेरी बढ़ जाए। महिला, डॉक्टर साहब, आप दवा के शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, अरे इसकी क्या जरूरत है? महिला, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्चियां चिपका दीजिए। डॉक्टर, ठीक है, परंतु क्यों? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। डॉक्टर, तुम क्या सैलरी या वेतन चाहते हो? नर्स, 10,000 रुपए महीना। डॉक्टर, 10,000 रुपया मैं आनंद के साथ दे सकता हूँ। नर्स, आनंद के साथ तो मैं 20,000 रुपए लूंगी। एक भरपूर काला आदमी जुकाम की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे सरसरी निगाह से देखकर कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे और दोनों हाथों को जमीन पर टिका दे। आदमी हैरान परेशान, पर उसने ये किया। ठीक है, डॉक्टर बोला, अब जानवरों की तरह चलिए और कमरे के दाएं कोने में जाए। आदमी ने यही किया। ठीक, डॉक्टर साहब बोले, अब बाएं कोने में जाएं। बंदा उधर चला गया। अब इस कोने में, अब उस कोने में, अब सामने, अब बीच में। आदमी घबरा के उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? अरे नहीं, डॉक्टर साहब बोले, मामूली जुकाम है, ये दो गोली लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। पर डॉक्टर साहब, आपने ये मेरा एक घंटे तक इस तरह परीक्षण क्यों किया? कुछ नहीं यार, डॉक्टर साहब बोले, बात यह है कि मैंने एक काले रंग का सोफा खरीदा है, मैं देखना चाहता था इस कमरे में वो किस जगह ठीक दिखता है।